तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मॉम्स किचन में। आज हम बनाएंगे ढोकला। तो ढोकला बनाने के लिए जो जो चाहिए, हमें चाहिए बेसन। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बेसन लिया। उसको थोड़ा सा अच्छे से छान लेते हैं, क्योंकि अगर बेसन नहीं छानेंगे तो जो उसका गुठलिया होता है, तो जब हम वो बनाएंगे, मतलब ढोकला के लिए जो बैटर बनाएंगे, वो बैटर अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप बेसन को अच्छे से छान ले। देखिए, मैंने यहाँ पे बेसन को अच्छे से छान लिया। अभी हम इसमें देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग दे दिया मैंने पहले, और देंगे इसमें थोड़ा सा मीठा, मतलब चीनी, और स्वाद मुताबिक नमक भी दे देंगे। फिर हम इसको थोड़ा पानी दे दे के अच्छे से इसका बैटर बनाएंगे। धीरे धीरे पानी दीजिए, क्योंकि एक साथ पानी देने से बैटर पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइए और बैटर को ऐसा बनाइए। देखिए, मैंने यहाँ पे धीरे धीरे पानी देके बैटर बना लिया। अभी हम इस पे दे रहे हैं नींबू का रस। मैंने एक टेबल चम्मच नींबू का रस दे दिया। अब ये बैटर को बहुत अच्छे से फेंटिए। ढोकला का बैटर जितना अच्छा फेंटेंगे, उतना अच्छा ही आपका ढोकला भी होगा। याद रखिए, ढोकला का बैटर बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा फेंटने से अच्छा होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई पे पानी गर्म करने के लिए बैठा दिया है, और जो इसमें हम बनाएंगे ढोकला, उस केक टिन को मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया। ऑयल दे के उसको अच्छे से ब्रश कर लिया कि ढोकला इसमें जम ना जाए, मतलब इसमें लग ना जाए नीचे। इसलिए बहुत अच्छे से अब इसको ब्रश कर लीजिए, जिस भी आप मतलब चीज़ में बनाएंगे। मैंने यहाँ पे केक टिन लिया, आप अगर चाहे तो दूसरा कुछ में भी बना सकते हैं। अभी लास्ट में हम इस पे दे देंगे इनो। इनो देने से बहुत अच्छा ढोकला बनता है। अगर आप लोग इनो नहीं देना चाहते, तो आप लोग इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिला सकते हैं। इन्हें देने के बाद बैटर को ज़्यादा मत कर हिलाइएगा, बस थोड़ा सा मिक्सअप करके बैटर को आप केक टिन में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, या जिसमें भी आप बनाएंगे उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से मिला लिया। अभी केक टिन में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। पूरा का पूरा बैटर मुझे इसमें देना है। मैंने अभी केक टिन को कढ़ाई में देके, कढ़ाई में मैंने पानी दिया, उसके ऊपर केक टिन बिठा के अभी ढक रहे हैं। इसको मैं 25 मिनट तक ऐसे ही बेक होने दूंगी। अगर आप लोग माइक्रोवेव में बनाएं, तो उसको 180 डिग्री में पहले 5 मिनट तक फ्री हीट करके फिर इसमें 25 या 30 मिनट तक आप बेक कर सकते हैं। अभी हम बनाएंगे इसकी चटनी। मैंने एक पैन में तेल दे दिया। मेरा जो ढोकला है, अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए मैंने उसको पकने के लिए दिया। इधर मैं ऊपर चटनी बना रही हूँ। इसके लिए चाहिए राई, मतलब सरसों। मेरे पास सादा और काला दोनों ही सरसों है, तो मैंने दोनों ही यूज़ किया। आप चाहे तो इसमें सिर्फ काला मतलब राई दे देना। देखिए, अभी इसको बहुत अच्छे से पहले फ्राई होने दीजिए, फिर इसमें मैंने दे दिया कड़ी पत्ता और मिर्च। कुछ मैंने फाड़ के मिर्च दे दिया, कुछ ऐसे ही मतलब खड़ी मिर्च दे दी। देखिए, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अब भून ले, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही भूने। फिर आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। देखिए, मैंने थोड़ा सा भून के अभी मैं इसमें पानी दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, जितना आपका ढोकला होगा उस हिसाब से आप पानी दीजिए। और इसमें चीनी, जब तक चीनी मेल्ट होगा तब तक हमें ये पकाना है, फिर इसको बंद कर देना है। मतलब चीनी मेल्ट होने तक मुझे ये चाशनी बनाना है।
देखिए मेरा ढोकला थोड़ा सा, मैंने बोला ना कच्चा था, तो अभी हम देख रहे हैं। हाँ अभी एकदम नाइफ एकदम पूरा अच्छे से निकला, तो मैंने ढोकला को निकाल लिया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और थोड़ा सा नाइफ से साइड्स अलग कर रहे हैं, क्योंकि अगर निकालते टाइम ना टीन में ही अटक जाए, इसलिए। अभी हम एक प्लेट लेके उसको उल्टा करके देखिए ऐसे टैप करेंगे तो ढोकला आराम से निकल आएगा। ये देखिए मेरा ढोकला एकदम निकला है, कितना स्पॉन्जी भी है और कितना सुंदर कलर भी आया है इसका, एकदम स्पॉन्जी है। जब हम काट के आपको दिखाएंगे तब समझिएगा कितना सुंदर ढोकला का मतलब ये हुआ। अभी हम इसको अपने हिसाब से काट लेंगे। देखिए आप अपने हिसाब से आप जो भी शेप चाहिए वैसा आप काट सकते हैं, लेकिन बेसिकली ढोकला ऐसे ही काटा जाता है। देखिए मैंने अपने हिसाब से ढोकला को काट लिया। देखिए ढोकला को मैंने काट लिया और अब देखिए ढोकला का जो जाली है कितना सुंदर आया, और जो सॉफ्टनेस है वो भी बहुत ही अच्छा आया है। अभी हम इसमें चाशनी डालेंगे। देखिए जो मैंने चाशनी बनाए थे अब इसमें हम डाल देंगे। पूरा चाशनी आप डाल दीजिए, क्योंकि जो बेसन है वो बहुत पानी उसको लगता है, मतलब उसको भिगाने में। देखिए मैं एकदम पूरा जो जितना भी चाशनी है वो सब ढोकला के ऊपर दे रही हूँ। अच्छे से ढोकला को भिगा दीजिए, तो उसमें मतलब मीठा नमकीन और जो थोड़ा सा मिर्च दिया उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बनके रेडी है मेरा ढोकला। गाइस आपको कैसा लगा ये ढोकला का रेसिपी, आप लोग ज़रूर बनाइए और कमेंट में लिखिए। और आप क्या क्या देखना चाहते हैं मैं क्या क्या बना के आपको दिखाऊँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।